हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है, महिलाओं की उन्नति और विकास को बढ़ावा देना इस दिन का मकसद है। साल 1977 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 8 मार्च को महिला दिवस घोषित किया था। इसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इंस्पायर इंक्लूजन का मतलब है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए एक ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा देना है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके। अगर किसी क्षेत्र विशेष में जैसे किसी कंपनी में महिलाएं नहीं हैं, तो इंस्पायर इंक्लूजन कैंपेन के तहत मकसद यही है कि ये पूछा जाए कि अगर महिलाएं उस कार्यालय में नहीं हैं, तो क्यों नहीं हैं? अगर महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। अगर महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता तो उसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है और ये हर बार करना जरूरी है। यही इंस्पायर इंक्लूजन है। पहले कुछ फील्ड्स ऐसे थे जहां महिलाओं का प्रतिभाग बिल्कुल नहीं होता था या ना के बराबर होता था। इन्हीं फील्ड में से एक है माउंटेनियरिंग, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी अंडे बेचकर जीवन यापन करती थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी फतह कर भारत की पहली महिला पर्वतारोही का खिताब अपने नाम किया। पिछले 28 वर्षों से पर्वतारोही के रूप में मेहनत कर रही तूसी साहा एक एवरेस्ट विजेता होने के साथ ही भारत में सबसे अधिक पीक चढ़ने वाली महिला भी हैं। तूसी ने 2014 में 8,586 मीटर ऊंचाई वाली चोटी कंचनजंगा फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनने का नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इनका मायका कोलकाता और ससुराल उत्तराखंड के नैनीताल में है। तूसी किसी भी काम को छोटा नहीं मानती हैं। कभी वो अंडे बेचा करती थी और नैनीताल में रहकर वो अक्सर ही क्लीन ड्राइव के जरिए साफ सफाई अभियान में भी हिस्सा लेती हैं और जय जननी जय भारती टीम के साथ मिलकर नैनीताल के जंगलों से बोरे भरकर कूड़ा निकालती हैं। तूसी अब तक 20 से ज्यादा ऊंची चोटियां चढ़ चुकी हैं। 2021 में उन्होंने हिमालय लद्दाख में 10 दिन के अंदर ही दो चोटियां फतह की थी। उन्होंने थलाई सागर, मैंथोसा, कान्याते, सीतीधार, द्रौपदी का डांडा, नंदा खाट, स्टाक कांगड़ी समेत कई चोटियां फतह की हैं। हाल ही में तूसी ने दुर्लभ चोटियां फतह कर भारत का नाम रोशन किया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित 1000 फुट ऊंचे दुर्गम रॉक पर चढ़कर एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। उनके पति अनिश साहा नैनीताल के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जो कि 1992 में एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। तूसी अपनी नन्ही बेटी नंदा देवी को भी अपने साथ चोटियों पर ले जाती हैं और ट्रेनिंग देती हैं। अपनी मां तूसी के सपोर्ट से नंदा ने महज 5 साल की उम्र में ही 10 से 15,000 फुट ऊंचे 5 पर्वतारोहण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।